दोस्तों आज हम एक ऐसे स्कूटर की रिव्यू करने वाले हैं जो मेरे हिसाब से 125 सीसी सेगमेंट को बिल्कुल हिला के रखने वाली है, एप्रिलिया स्टॉर्म 125। एप्रिलिया ने इंडियन मार्केट को प्रॉपरली स्टडी करके अब बजट सेगमेंट में एक प्रीमियम क्वालिटी की स्पोर्ट्स स्कूटर लॉन्च किया है। स्टॉर्म 125 टीवीएस एंटॉर्च और होंडा ग्रेजिया को कांटे की टक्कर देने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो मोटोमैन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉर्म 125 की लुक की बात करें तो ये काफी हद तक एसआर 125 से इंस्पायर्ड है, मगर इसमें बिल्कुल नया बॉडी ग्राफिक्स यूज हुआ है। फ्रंट पैनल पे आपको स्टॉर्म लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके साथ इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव स्पोर्टी लुकिंग बॉडी ग्राफिक्स दिया गया है। यहाँ आपको हेडलाइट सेटअप भी मिल जाएगा, इसमें हेलोजन बल्ब यूज हुआ है। फ्रंट वाइजर पे एप्रिलिया का लोगो दिया गया है और उसके दोनों तरफ टर्न इंडिकेटर लगा हुआ है। इसकी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड साइड पैनल इसकी स्पोर्टीनेस क्वोशेंट को और भी एनहांस कर रही है। इसमें जो बॉडी ग्राफिक्स दिया गया है वो मुझे बहुत पसंद है। इसकी पिलियन फुटपेक्स की डिजाइन देखिए, यही है इटालियन डिजाइन की खूबियां। रियर पैनल को देखें तो एक वेल क्राफ्टेड टेल लैंप के साथ बाइक की तरह दिखने वाला फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर दिया गया है। इसमें एक सिंगल लेआउट सीट लगा हुआ है, इसकी कुशनिंग स्पोर्ट्स बाइक की तरह ही है, स्लाइटली हार्ड। जैसे कि आप सब जानते हो सॉफ्ट सीट लॉन्ग राइड के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता, उसमें बैक पेन की चांसेस रहती है। पीछे एक शार्प लुकिंग ग्रैब बार भी दिया गया है, इसकी सीट हाइट है 755 mm। जाहिर सी बात है सभी हाइटों की राइडर्स इसमें कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं, पर एक बात है मुझे इसकी सीट थोड़ा छोटा लगा। सीटिंग पोस्चर की बात करें तो इसमें स्लाइटली एग्रेसिव रेसिंग स्टैंड वाला सीटिंग पोस्चर दिया गया है। इसके हैंडलबार की परफेक्ट पोजीशनिंग और सिटिंग पोस्चर स्कूटर के ऊपर फैंटास्टिक कंट्रोल प्रोवाइड करती है। हालांकि इसमें जो फुटबोर्ड स्पेस दिया गया है वो उतना स्पेसियस नहीं है, पर 5-8 होते हुए भी मुझे इसे चलाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब मेन टॉकिंग पॉइंट इंजन पे आते हैं। इसमें 125 सीसी की रेस ट्यून पावरफुल इंजन दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 9.6 पीएस एट 7250 आरपीएम और मैक्सिमम टॉर्क 9.9 न्यूटन मीटर एट 6250 आरपीएम। इस फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड एसओएससी इंजन पे एप्रिलिया ने 3 वाल्व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए। इसकी पावर आउटपुट टीवीएस की एंटॉर्क से भी ज्यादा है। इसकी पंचन थ्रस्ट, ऑन द गो एक्सेलरेशन, हाई स्पीड स्टेबिलिटी जस्ट माइंड ब्लोइंग है। मुझे तो इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस इंटॉर्क से कहीं ज्यादा अच्छा लगा। इस स्कूटर पे टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। इस पे टॉप स्पीड में भी किसी भी तरह की वाइब्रेशन या फिर बैलेंस की इशू नहीं है। इसकी व्हील बेस इंटॉर्क से लगभग 80 mm ज्यादा है, इसीलिए इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी इंटॉर्क से काफी बेहतर है। इस स्कूटर की एक और चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है इसकी हैंडलिंग और कॉर्नरिंग। इसके पीछे इसकी व्हील्स एंड टायर्स की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इसमें 12 इंच की यूनिकली डिजाइन अलॉय व्हील लगा हुआ है और टायर्स को देखें तो सामने 120x80 और पीछे 130x80 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। इतना मोटा टायर्स शायद 150 सीसी सेगमेंट की कहीं बाइकों में नहीं होती। और इस टायर की ग्रिप देखिए, क्लियरली आप स्कूटर से सुपर कॉर्नरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी सस्पेंशन की परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके सामने टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। इसको एप्रिलिया ने परफेक्टली ट्यून किया है। दिस सस्पेंशन इज नाइदर टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड। स्टॉर्म 125 पे आपको सेफ्टी फीचर्स CBS मिलेगा। CBS यानी कि कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। इससे होता क्या है दोस्तों, जब भी आप रियर ब्रेक पुल करेंगे तो इन्हें सर्टेन पोर्शन फ्रंट ब्रेक भी एंगेज हो जाएगी। इससे ब्रेकिंग डिस्टेंस तो अच्छा होती ही है और उसके साथ ब्रेकिंग की वजह से स्कूटर स्कीड होने की चांसेस भी बहुत कम रहती है। इसके सामने 150 mm और पीछे 140 mm की ड्रम ब्रेक दिया गया है। ड्रम ब्रेक होते हुए भी मुझे इसकी ब्रेकिंग काफी अच्छा लगा। हाँ, अगर इसमें डिस्क ब्रेक की ऑप्शन होता तो और भी अच्छा होता। इसमें एक सफिशियंटली स्पेसियस अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है, जिसमें आप आसानी से एक स्टैंडर्ड साइज हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं।
और ये देखिए, इसमें अंडर सीट फ्यूल फिलिंग सिस्टम है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 6.6 लीटर की। माइलेज की बात करें तो इससे आपको लगभग 35 kmpl मिल जाएगा। सामने एक यूटिलिटी हुक भी आपको मिल जाएगा। स्टॉर्म 125 पे एनालॉग मीटर कंसोल दिया गया है, जिसमें आपको बेसिक फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज एक्सेट्रा। इसकी प्रीमियम क्वालिटी के स्विच गियर्स में आपको बाकी सब स्विचों के साथ फास्ट लाइट भी दिया गया है, मगर इसमें इंजन किल स्विच नहीं है। चलिए अब इसकी ओवरऑल डायमेंशन को भी एक बार देख लेते हैं। एप्रिलिया स्टॉर्म 125 अभी दो कलरों में अवेलेबल है, रेड और येलो। सुना है जल्द ही इसकी व्हाइट कलर वेरिएंट आने वाली है। जब भी व्हाइट कलर वेरिएंट अवेलेबल हो जाएगी, मैं उसका भी एक रिव्यू करूंगा। कीमत की बात करें तो एप्रिलिया बहुत ही एग्रेसिवली इसको प्राइसिंग किया है। इसकी ऑन रोड प्राइस कोलकाता में टीवीएस इंट्रॉक से लगभग 6,000 रुपीज ज्यादा है। कोलकाता में इसकी ऑन रोड प्राइस है 86,900 रुपीज। दोस्तों, आपको एप्रिलिया स्टॉर्म 125 कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक मारो, शेयर करो और ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए मोटोमैट को सब्सक्राइब जरूर करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ।